एक्सक्यूज मी मैम, कैसे बोल रही हूँ? हाँ, वो सारी चीज़ें मेडिकल वेडिकल सब। मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। हाँ जी बोलो। आप वेटर हो क्या? आपको वेटर लग रहा है? हाँ, ये ऐसे वाइट ऐसा। एडवोकेट हूँ मैं, बोलिए। वही तो मुझे लगे एडवोकेट है, लेकिन फिर उधर भैया थे, वो बोले नहीं वेटर होंगी, तो मुझे ना एडवोकेट से ही काम था। क्या है? मेरे ना मुझसे ना गलती से मर्डर हो गया था। गलती से मर्डर हो गया? हाँ, तो उसके लिए मैं अपनी बचाव में कर रहा था, तो उससे मैं बच रहा था, लेकिन मुझसे गोली चल गई। अच्छा, डिफेंस में गोली चल गई। हाँ, तो वहाँ हो गया। लाइसेंस है आपके पास, जो बंदूक आपने रखी हुई है, जो भी पिस्तौल आपके पास है? लाइसेंस नहीं है आपके पास? नहीं, वो दोस्त की थी, मैं ऐसे देखने के लिए लिया था और मस्ती में मैंने उसको मार दिया। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। बहुत लंबी कहानी है। फिर तो आपको ने कहा महीने मेरे साथ बैठ के आराम से या फिर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, डेट वेट पे चलना पड़ेगा उधर। अच्छा, डेट पे चलना पड़ेगा? नहीं, मैं डेट पे गया था तो वहाँ पे ये सब हुआ था, ये बता रहा था मैं। वहाँ दोस्त से लड़ाई हो गई, एक लड़की के चक्कर में हुआ था ऐसा। तो फिर ऐसा हुआ, फिर मैं जिसको केस दिया ना, वो समझ नहीं पा रहे थे मेरी बात को। मैं उनको बार बार समझा रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ, और वो मुझसे ना बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे, एडवोकेट जो थे। मैं तो सवाल ही करेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा कर रहे, तो बहुत ज़्यादा कोई करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर आप अपना केस ही? मेरे ना 3 मर्डर हुए हैं मेरे हाथ से। आपने 3 मर्डर करे हैं और आप ऐसे खुला घूम रहे हो? खुला नहीं घूम रहा, अभी छुटा हुआ मैं। तो फिर क्या सोने होने की चेन पहनी है? कौन है आपके पापा? पापा मेरे सुनार हैं। अच्छा, चलिए बताइए, आपसे मर्डर हो गया, ठीक है। हाँ, लाइसेंस है नहीं, बंदूक आपके दोस्त की है। हाँ, और फिर एक एडवोकेट का हो गया, वो मेरी बात समझ नहीं रही थी और केस भी मेरा ले नहीं रहे थे। और बहुत का हो गया, क्या हो गया? मेरे से मर्डर हो गया। एडवोकेट का मर्डर हो गया? हाँ। सभी स्पोर्ट लवर को साउथ अफ्रीका लीग में बुलाया जा रहा है और साउथ अफ्रीका लीग खत्म होने वाली है और माहौल में एक तनाव है और एक इनक्रेडिबल फाइनल का अनुमान है, तो आओ प्रेडिक्शन करें। और जब क्रिकेट प्रेडिक्शन की बात आती है तो परी मैच मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है। ये आपके और मेरे जैसे पैशनेट स्पोर्ट लवर के लिए टू गेमिंग पैराडाइज प्लेटफॉर्म है और इसमें वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। क्विक साइन अप, ग्रेट ओड्स टू विन, लॉट्स ऑफ पेमेंट ऑप्शन, 5 से ज्यादा लैंग्वेज का सपोर्ट और फास्ट विड्रॉल। यह एक एक्शन पैक जर्नी है जहां पे आप कैश जीत सकते हैं अपने फेवरेट टीम को चीयर करके। और सबसे अच्छी बात, परी मैच न्यू यूजर को 20,000 तक का एक्सक्लूसिव बोनस भी देता है। मेरे लिंक का उपयोग करके कुछ क्लिक करके आप बोनस पा सकते हैं। और निकोलस पुरन इसके ब्रांड एम्बेसडर भी है जो कि साउथ अफ्रीका लीग में अपना टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप किसका इंतजार कर रहे हैं? डोंट मिस द चांस एंड ज्वाइन परी मैच, स्टार्ट विनिंग बिग टुडे, गेट इन द गेम नाउ, फाइंड रजिस्ट्रेशन लिंक इन द वीडियो पिंड कमेंट, बाय बाय। तो अभी बोलो क्या करना है मुझे, क्या करना चाहिए? आप सीरियसली कोई केस लेकर आए हो? हाँ, ठीक है। तो मतलब ये जो भी आप कह रहे हो कि आपके मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, एक मिनट रुक जाओ, ये आप अपने उसमें बैग में रख लो। अरे ये क्या लेकर घूम रहे हो आप यार? इसको प्लीज अपने बैग में रख लो। क्यों रखो ये मुझसे? पहले तो आप इस तरीके से फिर से ये जब से नहीं कर सकते हो, इसको थोड़ा सा पकड़ लो, यहाँ पे पकड़ लो, ऐसे फिंगर रख दो प्लीज। दूर 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 दूर। प्लीज इसको फिंगर यहाँ पे ऐसे रख दो। शट अप, कीप इट इन योर पॉकेट। अरे वो बहुत वजन है मुझसे और डेली। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? फ्रेंडशिप करनी है। आप एक काम करिए, मैं चाहता हूँ ना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँ तो एक एडवोकेट को बनाऊँ, क्योंकि वो मेरा बहुत केस होते रहते मेरे ऊपर, तो वो लड़ती रहे ऐसा। प्लीज मुझसे थोड़ा फॉर्मली बात कीजिए। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, एकदम फैक्ट बात कर रहा हूँ। मैं सच में इसलिए आपसे शादी करना चाहता, आपको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता, डेट करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मेरी गर्लफ्रेंड एडवोकेट रहेगी ना, तो सब मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी ऐसा। तो मतलब आप क्राइम करते चले जाएंगे बिकॉज़ ऑफ मेंटल प्रॉब्लम और मैं केस लड़ती रहूं? मैं करता नहीं, हो जाता है मुझसे। अच्छा, तो इसलिए मैं आपको अप्रोच कर रहा हूं उसके लिए कि आपके पास एक बैकअप रहे जो आपके क्राइम। हाँ, अभी समझे आप, देखो आप कितनी समझदार हो। ऐसी समझदार बीवी चाहिए थी मुझे, ऐसी समझदार वाइफ चाहिए थी। आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैं ऐसी बातें क्यों नहीं कर सकता? ऐसा है, आप अपने घर पे किसी को कॉल करो और उनको बोलो आपको। अभी अभी सुनो, मुझे ना आपसे शादी करनी की है, वो बोलो यार। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उससे मुझसे मतलब नहीं है। आप कैसे बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, कैसे बात कर रहे हो, क्या मतलब? इतनी देर से समझा रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है अभी। पहले तो आप कौन सी लैंग्वेज में समझाऊँ मैं? किससे बात कर रहा हूँ? क्या एडवोकेट से बात कर रहे हो आप? हाँ। क्राइम करके बैठे हो आप? क्राइम करके बैठा हूँ।
जी हाँ, और उसी के लिए आप इधर आए हो ना? हाँ उसी के लिए आए हो, मैं तो बोल रहा हूँ आपको तो बताएं। आप इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो मुझसे? मैं तो बिना बताए भी आपसे बात कर सकता था कि क्राइम नहीं किया हूँ। आप तो ऐसे हैंडसम लड़का देख के वैसे आप फ्लर्ट हो जाती। शट अप यार, अगर आप सच में मेंटली प्रॉब्लम में, आप सीधे से बताओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी। आपके पास टाइम नहीं है तो आप चाहिए, मुझे कोई शौक नहीं है। नहीं, आपका नंबर दो मुझे, मालूम है मेंटल प्रॉब्लम है मुझे। किधर ओए? अच्छा ठीक है, इसको अंदर रखिए। इसको अंदर रखिए, अंदर क्या रखो? शाम को क्यों मिलो? अभी मिलो, नंबर दो मुझे। आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आई हुई हूँ, तो मैं जैसे ही फ्री होती हूँ मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। भाग तो नहीं रही हो? नहीं नहीं बिल्कुल पक्का? हाँ। भाग तो नहीं रहे मुझसे? अरे नहीं नहीं नहीं, भागना कैसा है? दो मैं नंबर डायल करता हूँ। हाँ नंबर डायल करता हूँ। फोन कितने का है ये? अभी बेचेंगे तो कितना मिलेगा इसका? मुझे नहीं पता इसकी मार्केट वैल्यू, आप मार्केट में पता कर लीजिएगा। आप तो वैसे भी बड़े रिच हैं। पता करूँ क्या? काफी वजन है इसका। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फोन हाँ? मेरा फोन। अरे फोन मत लो, मैं चला रहा हूँ ना फोन। मेरा मेरा फोन है ये? हाथ से फोन कैसे लिया? कैसे लिया मतलब? हाथ से फोन कैसे लिया? एक तो है ना ये, इस तरीके से आप मुझसे बात। फोन कैसे लिया? मेरी गर्लफ्रेंड का फोन है वो। मेरा फोन कैसे लिया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? कौन सा दिमाग में कौन से ख्याली पुलाव बना रहे हो तुम? पहले पीछे हट के बात करो। पीछे तुम हटो, पीछे। हाथ कैसे लगाया तुमने? हाथ लगा सकती हूँ मैं, समझे? सब कुछ पता है मुझे। और ये जो तुम मर्डर करके बैठे हो ना, जब तुम जैसे लोग नहीं डरते तो मैं क्यों डरूंगी? शट अप, माइंड योर टोन, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दैट। आई कैन मर्डर, ब्लडी फूल, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। पागल हो क्या? अब ये क्या कर रहे हो? मेंटल प्रॉब्लम होता है लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर सॉरी 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 सॉरी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। सुनिए तो, आपका सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। अरे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं जानना, बहुत देर से आपकी बातें सुन ली मैंने, बहुत आप इरिटेट कर रहे हो। अरे मैं ये गन वन नकली है सब, मैं झूठ बोल रहा था सारी चीजें। अच्छा मैं मस्ती कर रहा था। मस्ती कर रहे हो, इस तरीके की मस्ती कर रहे हो आप? हाँ एक्चुअली मैं ना यूट्यूब पे वीडियोस करता हूँ और मैं यहाँ पे ना प्रैंक कर रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको बहुत ज्यादा जवाब दे सकता था, लेकिन मुझे लगा किसी का कौन किस काम से निकला है उसका माइंड डिस्टर्ब ना कर दूं मैं। आपने कर दिया मेरा माइंड डिस्टर्ब अभी। अरे मैं लास्ट में नहीं किया, नहीं तो इतना सुनता नहीं मैं किसी का। रियल चल रहा हो या रियल चल रहा हो, मैं तो तुरंत जवाब देता हूँ, लेकिन मैं आज फर्स्ट टाइम सुना इतना आपका। बताओ वर्किंग डे है, मैं यहाँ पे काम के लिए। अरे मैं भी वर्क ही कर रहा हूँ ये। अरे मेरा भी यही वर्क है तो मैं भी वही वर्क ही कर रहा हूँ। और हमारा ना यहाँ पे कैमरा लगा है, आशा बनवा रहे हो आप? यहाँ कैमरा लगा रहे हैं हम लोग, शूट भी कर रहे हैं। कैमरा अभी दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको, पहले आप कूल डाउन हो जाओ। कैमरा इसलिए बोला कि आप गुस्सा मत करो मेरे पर, स्माइल करो। बताओ कि कूल डाउन कैसे हो सकती हूँ अभी? आप इतना मतलब आकर बोल रहे हो कि मर्डर किया है, ये किया है। अभी मैं एडवोकेट हूँ, मैं जनरली इन चीजों को टैकल करती हूँ, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि यार मैं कोई चीज टैकल कर रही हूँ। सुबह सॉरी, इतने अच्छे मूड में यहाँ पे किसी मीटिंग के लिए आई थी, वो बंदा अभी तक आया नहीं है, नहीं। उसका वेट कर रही हूँ और अपना इम्पोर्टेंट कॉल मैंने हैंग किया। अभी आप इसको ना जब ये वीडियो देखोगे आप ना बहुत हंसोगे, और या फिर अभी थोड़ी देर इसको याद करोगे ना, जो जिस तरीके की हमारी कन्वर्सेशन हुई है, आप बहुत मस्ती करोगे उसको देख के। आपके दोस्त बहुत हंसेंगे, तो मुझे लगता है आपको अच्छा ही लगेगा। अभी बार हुआ है ऐसा? हाँ अभी तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी मैं सॉरी बोल रहा हूँ अभी आपको। और मैंने आपकी इतनी बातें सुनी, मैं सच में किसी की नहीं सुनता हूँ, फर्स्ट टाइम सुना है। इतना नहीं चिल्लाना पड़ता आउट ऑफ द कोर्ट। हाँ ठीक है जी। वैसे मेरा नाम सुमित दुबे, आपका गुड नेम क्या है? चंचल। चंचल, और हमारा कैमरा है ना वो उधर देख सकते हो, कार के अंदर देखो। कार के अंदर ये? हाँ 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 हाँ, ये हमारा कैमरा लगा है। हाय ठीक है, मस्ती अच्छा लगा आपको? तो आप आ जाओ ना इधर बैठ के, इधर बैठ के हम लोग कॉफी पीते हैं ना, उधर तब तक आप इंतजार कर लो और थोड़ी बातें भी कर ले। मुझे सच में कुछ जानना है आपसे, बहुत सारी नॉलेज लेनी है अभी, प्लीज वो मत करना। नहीं नहीं कैमरा हमारा ऑफ रहेगा, हमसे बस कुछ जानकारी लेनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद कर। वैसे मैं फिर इधर। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम मैंने किसी की बात सुनी, रिप्लाई नहीं किया, तो अगर आपको अच्छा लगा हो, क्या चाहते हो आप, रिप्लाई किया करूँ या फिर कभी कभी सुन भी लिया करूँ, बताना मुझे कमेंट में। बाकी वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।